हेलो एवरीवन, वेलकम इन बिगिन ब्राइट क्लासेस। दिलीप बुलेस का एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डाला है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग हम लोगों ने कराई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब उसी प्रैक्टिस सेट की हम जीएस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिल्ली पुलिस में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जीएस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। तो आप लोग आंसर कोई बताएगा, इसका आंसर होगा विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। ऑप्शंस आर जयदेव, कल्हण, कालिदास, राजा राव। तो इसका आंसर होगा हमारा जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। ऑप्शंस हैं तराई की पहली लड़ाई में, तराई की दूसरी लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में। तो इसका आंसर होगा पानीपत की दूसरी लड़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। सेकेंड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। लास्ट ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें यहाँ पे तीन दिए हुए हैं जिसमें हमें अरेंज करना है कि पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तमिलनाडु, केरल, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। तो कथकली जो हमारा डांस है वो है केरल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। पहला देवगण का दशावतार मंदिर, सेकेंड तिगवा का विष्णु मंदिर, थर्ड भीतरगांव का मंदिर, फोर्थ भूमरा का शिव मंदिर। तो आंसर होगा हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए हमारे ग्रह कितने हैं, 8 या 9। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। पहला है सेकेंड बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। थर्ड बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। फोर्थ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पर आपकी आती है मैचिंग, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनके आगे भी लिखा हुआ होगा, तो आपको लिखना है जो उससे मैच नहीं हो रहा वो आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमें एक साइड हवा दी हुई है और एक साइड हमें स्थान दिया हुआ है, तो हवा का नाम है मिस्ट्रल और स्थान का नाम है फ्रांस। मतलब उसने हमसे पूछा है कि मिस्ट्रल हवा जो है वो फ्रांस में चलती है। अब इसी तरीके से हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो गलत दिया हुआ है हमें वो मार्क करना है। जैसे नेक्स्ट है यामो, जापान। क्या यामो हवा जापान में चलती है? बिल्कुल चलती है। नेक्स्ट है सिरोको, ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ये ही हमारा आंसर होगा क्योंकि सिरोको जो हवा है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की विशेषता है। जो हमारे प्रति चक्रवात हैं उसकी विशेषता क्या है। ऑप्शंस हैं तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि, स्वच्छ आकाश। तो इसका आंसर होगा हमारा स्वच्छ आकाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का पठार है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोयस का पठार कैसा है, हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या पवनकृत। तो जो हमारा लोयस का पठार है वो है हमारा पवनकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम
समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि का जो इन लोगों का जो मतलब ये लोग हमें बताते हैं ये कौन घोषित करता है, हमसे ये पूछा गया है। योजना आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग या राष्ट्रीय विपणन आयोग। तो ऑप्शन है हमारा आंसर जो होगा वो होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर से मैचिंग है, ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 to 56, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है उन्होंने कहा है क्या वो 51 से 56 तक थी। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 61, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ टाइम के लिए पहले योजना अवकाश रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी, यानी कि जो अन्नपूर्णा योजना है वो किस दिन आई थी, किस दिन लागू हुई थी, 1998, 1996, 1999 और 2000। तो इसका आंसर होगा हमारा 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो हमें कौन दिलाता है यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा विधिक अधिकार, क्योंकि अभी जो हमारा ये पहले था मूल अधिकार में आता था लेकिन अब इसे हटा करके विधिक अधिकार में कर दिया गया, यानी कि इस पर जो अधिकार है इस टाइम इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसे है, कानून को है। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। तो हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21A। तो ये जो हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, ये माना गया है आर्टिकल 21A के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। आई थिंक इसमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी संविधान पढ़ा है तो आपको ये पता होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें कि वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि अनुसूची 7 जो है यानी कि शेड्यूल 7 जो है वो क्या कहता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, यह अनुच्छेद निम्न भाग में वर्णित है। ये जो है बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये किस अनुच्छेद के किस भाग में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संशोधन प्रक्रिया। ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये मूल अधिकार का ही पार्ट, क्योंकि ये भी हमारा एक मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन ये इसके अंतर्गत आर्टिकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है, यहाँ पर बुक पूछी गई है। ठीक है, तो ये जो बुक है ये है हमारी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, पित्त, लसिका, कैलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो इसका आंसर होगा हमारा यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, जो लंग से जो हमारा क्या होता है जंग से बचाने के लिए हम जो करते हैं लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यकता अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? गंगा, महानदी, चंबल, नर्मदा। तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर हमसे फिर से उन्होंने अनुक्रम लगवा दिया। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। दूसरा है मांसाहारी, अपघटक, पादप, शाकाहारी। तीसरा है अपघटक, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी। और चौथा है शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक और पादप। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा पहला, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। पहला ऑप्शन है थिम्पू नगलत्रुम, नेक्स्ट है टोक्यो येन, नेक्स्ट है मनीला पैसो और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थिम्पू नगलत्रुम। जो भूटान है उसकी राजधानी है थिम्पू और जो उसकी करेंसी है वो है हमारी नगलत्रुम। और टोक्यो और येन किसकी है हमारी? ये है हमारी जापान की। और नेक्स्ट है मनीला और पैसो, ये है हमारी फिलीपींस की। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी, 8 जनवरी। ये मनाया जाता है हमारा 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, हेनरी बेल, वोल्टा, इनमें से कोई नहीं। टेलीफोन की जो खोज की गई थी वो की गई थी ग्राहम बेल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय तैराक का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न से में से कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं संजीव रेड्डी, वेणुगोपाल कृष्णन, एमबी बालकृष्णन या इलियान सेल्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एमबी बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने सर्वप्रथम भारत में ग्रीन कार लोन को लॉन्च किया है, यानी कि कौन से बैंक ने किया है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। तो यहाँ पर जो ये लॉन्च किया है ये किया है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था हमारा? 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस द्वारा निर्मित सबसे विध्वंसक परमाणु पनडुब्बी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इस पनडुब्बी का नाम बेलगेरोड रखा गया है, इस परमाणु पनडुब्बी में 8 मानव रहित अंडरवाटर यान लगाए गए हैं, इसे समुद्र के तल की मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो चाबहार बंदरगाह है वो किस देश में है? अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, उज्बेकिस्तान। तो वो है हमारा ईरान में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वैलेजली, विलियम बेंटिक। तो जो महाभियोग चलाया गया था वो चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन है, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका आंसर होगा फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। एंड आई थिंक ये आंसर तो सबको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बफर पूंजी के समुचित आकार के निर्धारण हेतु गठित समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो ऑप्शंस हैं, इस समिति का गठन 26 दिसंबर 2018 को किया गया था, इसकी अध्यक्षता विमल जालान को सौंपी गई है, इस समिति में कुल 6 सदस्य हैं, उपरोक्त सभी। तो ये होगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बैंक नोट ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार किस देश के नोट को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है नॉर्वे, रूस, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोतुंग या नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? जो चार मीनार है वो कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद, गाजियाबाद। तो वो स्थित है हमारा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? शिवालिक, कुनलून, कराकोरम, हिंदू कुश। तो आंसर होगा हमारा कुनलून। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन। ऑप्शंस हैं कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोचिन, पारादीप और कांडला, पारादीप और हल्दिया। तो आंसर होगा पारादीप और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? चावल, गेहूं, चना, अलसी। तो आंसर होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ओहायो, टेनेसी, यूक्रोन या पोटोमैक। तो वो होगा हमारा पोटोमैक। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है इंदिरा रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें जो प्राथमिकता दी गई है वो दी गई है कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन पांचवी। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था, पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत की कौन सी रैंक मिली है? 139, 140, 141, 142। तो जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 140वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। तो उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। नेक्स्ट है द एंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस म्यूजिक के लेखक हैं सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वी एस नायपाल या टी एस इलियट। तो इसका आंसर होगा हमारा सलमान रुश्दी। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग एक ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, अभी आगे हम लोग और प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपके एग्जाम से पहले। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।